हसद क्या है, ये मैं तारीफ इस्तेलाही तौर पर बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नेमत दी है, फजल दिया है, मालदारी दी है, कोई भी खैर दी है, खा वो हुस्न हो, खा वो जमाल हो, खा वो दौलत हो, खा वो दीन हो, खा वो इल्म हो, हर कोई जो अल्लाह ने उसको खैर दिया है उसको देखकर कोई आदमी ये तमन्ना करे, तमन्ना दिल में, हाथ से नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा हो, दिल का मामला है, वो ये तमन्ना करे कि इससे वो नेमत छिन जाए मुझे मिल जाए, यह हसद। अच्छा, इसके बरअक्स एक और चीज है जो जायज है, वो चीज है रश्क। वो क्या है, आदमी किसी खैर को देखकर, अल्लाह ने किसी पर इनाम किया है उस इनाम को देखकर, अल्लाह ने किसी को फजल किया है उस फजल को देखकर आदमी अपने दिल में तमन्ना करे कि ऐ अल्लाह इसको और बड़ा, इस फजल को, इस नेमत को ऐ अल्लाह उसे और दे, लेकिन ऐ अल्लाह तो सबको देने वाला है, वो नेमत मुझे भी दे, वो नेमत मुझे भी दे, मेरे पास नहीं है। ये रश्क है, ये जायज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दो मामले में रश्क करने की इजाजत नहीं बल्कि उभारा है, ला हसद इल्ला फिल इस्नैन, ये फरमाया कि देखो हसद जायज नहीं। हालांकि यहां हसद का माना वो नहीं है जो मैं पहले बयान किया, हसद का माना वो है जो रश्क का माना है। फरमाया कि दो चीजों पर रश्क किया जा सकता है, क्या क्या, एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया है और वो रात दिन अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है, तो उस पर आप रश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अल्लाह फलां को ये माल दिया है कि वो रात दिन खर्चा करता है, मेरे पास कोई माल नहीं है, अल्लाह उसको और बड़ा और मुझे भी वैसा ही मालदार कर देता कि मैं भी तेरी राह में खर्च करता रहूं, ये जायज चीज है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कुरान या इल्म दिया है अल्लाह ने, उस पर भी रश जायज है कि ये कह सकता है कि अल्लाह फलां को बड़ी अच्छी किराअत है, फलां को बड़ा अच्छा इल्म है, हम तो क्या हैं, तालिब इल्म है, ऐ अल्लाह उस इल्म तक हमको भी पहुंचा और मैं भी उसी तरह कुरान की तिलावत करूं। तो एक तो वो तमन्ना है जिसमें उसके लिए दुआ है और साथ में मेरे लिए भी, अपने लिए भी दुआ है, लेकिन दूसरा बरअक्स हसद क्या है कि बददुआ है कि ऐ अल्लाह उससे छीन ले, यहां तक एक दर्जा है हसद का, यानी किसी की नेमत को या किसी के फजल को, किसी के खैर को यह सोचे कि अल्लाह उससे छीन ले, यह हसद का पहला दर्जा है, कम दर्जा है। उससे भी सख्त तरीन दर्जा वो है जिसमें वो तमन्ना करे कि उससे छीन ले और मुझे अता हो जाए, उससे भी बदतरीन, इस सख्त तरीन है और इससे ज्यादा सख्त तरीन दरिंदे के पास भी नहीं है, याद रखो। जिसमें बंदा क्या करे, ये तो तमन्ना करे कि अल्लाह उसको छीन ले उस नेमत को और वो नेमत मुझे अता हो जाए, और साथ में रेशा दवानियां, हाथ पांव का इस्तेमाल करके, साजिशें करके छीनने की कोशिश करें, ये इंतहा है, इंतहा है, इंतहा है, जो इंसान नहीं हैवानों की सिफात में आता है, याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमत